नगर पालिक निगम रीवा में समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। उधर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल पर डटे कर्मचारियों ने यज्ञ कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने की करी कामना। लंबित मांगों को लेकर चल रही प्रदेश व्यापी हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने निगम के द्वार पर धरने में बैठे रहे और दूसरे दिन तालाबंदी के बाद आज यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ करने का उद्देश्य सरकार को सद्बुद्धि देना था। कर्मचारियों को मानना है कि सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और इस यज्ञ से उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी। आपको बता दें कि नगरपालिक निगम के कर्मचारी सात सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए, समयमान वेतनमान का लाभ, सामुदायिक संगठनों को नियमित करना जैसी कई मांगे हैं। हड़ताल में सुरेंद्र सिंह, राजेश चतुर्वेदी, अरुण शुक्ला, प्राणनाथ पांडे, आर के सोनी समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बुधवार से मेरी आज ये तीसरा दिन हड़ताल का है और का नाम से आज हमारा सद्बुद्धि ज्ञान यज्ञ का नाम प्रारंभ हुआ है कि जो हमारी मांगे हैं वो शासन स्तर पर इनको माना जाए, इस कारण आज हम लोग सद्बुद्धि ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। आज ये कर्मचारियों के तीसरे दिन हड़ताल हो गई है और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, जिसमें संघ प्रदेश संगठन द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय नगर पंचायतों में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है ताकि प्रदेश सरकार जागे और हमारी मांगों को माने। कितने दिनों से आप लोग आज तीसरा दिन हमारे आंदोलन का क्या प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे इसमें है समयमान वेतनमान है, कंप्यूटर ऑपरेटरों के पद सृजन का है और आपके अनुकंपा नियुक्ति का है और मेडिकल भत्ते का है और दैनिक वेतन भोग नियमितीकरण का है।